नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बाइकर टूरिस्ट सूर्या और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसका नाम है अष्टशंभु मंदिर और ये तालचेर के पास है, लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे और भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे। यहां पे 8 शिव जी का मंदिर है जो कि है कनकेश्वर, बैद्यनाथ, पश्चिमेश्वर, बालुंकेश्वर, कपिलेश्वर, स्वप्नेश्वर, बाणेश्वर और लोकनाथेश्वर। ये सारे ब्राह्मणी नदी के किनारे बसे हैं और बहुत ही लगभग 1000 साल पुराने मंदिर इस है। मंदिर का खासियत ये है कि ये सारे पत्थर स्क्वायर साइज के हैं और इसमें कोई भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसमें बहुत सारे कार्विंग किया गया है, बहुत अच्छे मूर्तियां बनाई गई हैं। इस वक्त मंदिर बहुत ही टूटे फूटे हालात में है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको देखभाल कर रहा है और बहुत सारे स्काफोल्डिंग भी लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मूर्तियां टूटे पड़े हैं और इसको किनारे लगाया गया है। लगभग हर पत्थर स्क्वायर साइज का ही कटा हुआ है और इसको कहा जाता है कि जब काला पहाड़ उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया था तब तो उसका नाम उत्कल हुआ करता था जो कि एक कन्वर्टेड मुस्लिम था और ये सारे मंदिर तोड़ फोड़ के सब कुछ ख़राब कर दिया और तब से ये इस हालत में है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको तो लिया तो है लेकिन अभी भी कोई ऐसा खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इस मंदिर का जो सेंट्रल मूर्ति है वो है एक शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग है और यहाँ पे बताया जाता है कि महाशिवरात्रि में जब जलाभिषेक होता है, जब कांवड़िया लोग आके पानी डालते हैं इसमें और ये एक शिवरात्रि में बहुत बड़ा फंक्शन होता है और माना जाता है कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा नाग आके उस शिवलिंग को पूरा लपेट के सोया रहता है। यहाँ पे पुजारी लोग सारे रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार इसका ऊपर ध्यान दे, यहाँ तक कि सारे जनता भी इसका ऊपर ध्यान दे। मुझे यकीन है कि देश भर में ऐसे बहुत सारे मंदिर होंगे जो कि बहुत ही ख़राब हालत में होंगे, जो कि हमारे पूरे धरोहर है, हमारे पुराने सभ्यता संस्कृति का, इसका ज़रूर आप लोग ध्यान दें। बहुत कम लोग जानते हैं इस मंदिर के बारे में और आप लोग जब भी आते हैं तालचेर घूमने के लिए तो इसको ज़रूर देखें और इसका नियरेस्ट बस स्टैंड है तालचेर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी तालचेर है। अगर कोई एयरपोर्ट से जाना चाहें तो भुवनेश्वर इसके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा और बहुत सारे बजट और लग्जरी होटल्स भी हैं तालचेर में। और अलग जगह जो आप देखना चाहते हैं जो कि तालचेर के पास है, अनंत शयन है, हिंगुला कोल माइन है, हिंगुला मंदिर है और समल बैरेज है, रेंगाली डैम है और टिकरपड़ा जो कि मगरमच्छ का सेंक्चुअरी है और एक बहुत बड़ा सातकोशिया गर्ज है जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। यहाँ के पत्थरों में जो भी कार्विंग हुआ है आप देख सकते हैं, ये सारे शिव पुराण के जितने भी कथाएं हैं उसको मतलब कि चित्रित किया गया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है नया नया जगह जाने के लिए, नया वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, बाइकर टूरिस्ट सूर्य। आपका दिन शुभ रहे।